मॉर्निंग गाइस, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फिलहाल जिम जा रहा हूँ क्योंकि आज रंजीत भी नहीं आएगा, उसको कहीं काम में जाना है, तो जाते हैं मैं अकेले। चलिए। तो गाइस, अभी फिलहाल जिम कंप्लीट हो गया, अब जा रहे हैं घर एकदम मस्त सा धूप का आनंद लेते हुए। अब कुछ ही देर में अपना घर पहुंच जाएंगे, तो चलिए फिलहाल घर जाते हैं। अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पे देसी प्रोटीन सत्तू के साथ, तो चलिए। तो अभी मैं जिम आया था, तो अभी क्योंकि लिए जिम में क्रिसमस की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। अभी आप देख सकते हैं आधा सजावट हुआ है और अभी सजावट होना बाकी, और यहाँ पे अभी बैलून सब फुलाया जा रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो इससे कैसे बैलून हम फुला रहे हैं। तो ये रहा हमारे पास बैलून फुलाने वाला मशीन। तो देखिए, इसमें बैलून डालते हैं, लाइट से, ये इलेक्ट्रिक वाला है, लाइट से चलता है। डाले और हमारा बैलून मिनटों में फूल गया। वो जमाना था यार जब मुंह से फुलाते थे हमसे, तो अब क्या से क्या हो गया, एकदम टाइम कैसे बदलता है गाइस, यही होता है। देखिए तो यहाँ पे और भी देखिए कि कितना जल्दी जल्दी बैलून फूल रहा है। अब ये बैलून अब भैया लोग जल्दी से फुलाएंगे, उसके बाद फिर बाकी का जो डेकोरेशन बचा हुआ है अभी अंदर भी लगेगा, ऑफिस में लगेगा और अंदर वाला रूम वगैरह में लगेगा। वो पहले यहाँ बैलून फूलने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद डेकोरेशन होगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये लंबा जैसा, मतलब एक रस्सी टाइप रिबन में बांध दिए हैं डिज़ाइन के लिए। तो गाइज, आप देख सकते हो क्रिसमस की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। मेरे पीछे अभी बैलून वगैरह, ये हम लोग का ऑफिस रहा और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलून लगा है। आपको दिखाता हूँ अच्छे से कि ये रहा हमारा जिम का ऑफिस, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये डोर टाइप का बैलून से अच्छा तरीके से सजा दिया गया, और पीछे भी काम चल रहा है। पहले यहाँ दिखाता हूँ फिर चलूँगा सामने। तो अब लगभग सभी जगह बैलून लग चुका है। देखिए, इधर शीशे में भी लग गया है वो, और डोर पे भी लग गया। अब ये एकदम देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है, मतलब ये कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। अब कल बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ भी देखिए डोर पे, और ये जो रिबन से दिया गया है वो तो और ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अभी यहाँ पे मैस फैला हुआ है, लेकिन ये सब साफ़ होने के बाद एकदम तगड़ा सा लुक आने वाला है, कल इसका इंतज़ार कीजिए। तो चलिए अब आपको पूरे शुरुआत से अपने जिम का लुक दिखा देता हूँ। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये हम लोग का पहला है। यहाँ पे देखिए गेट पे भी अच्छे तरीके से सज चुका है, जितने मशीन वगैरह थे वो सब पे भी थोड़ा थोड़ा बैलून दिए हैं, अधिक नहीं किए ताकि मतलब किच में जाए अच्छा भी नहीं लगेगा। और यहाँ भी देखिए दीवार वगैरह में भी कंप्लीट हो गया है, और हमारा जो जिम है पूरी तरह से क्रिसमस के लिए तैयार है। और ये रहा मतलब बाहर से लुक कि हमारा जिम का है। देखिए यहाँ पे बैलून भी लगा है और लाइट जो अभी लगा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं भी अब अपने घर की ओर चला। तो गाइस, फिलहाल अभी जिम से भी घर आ गया। वो क्रिसमस का, अब कल है क्रिसमस, तो कल का आपको दिखाऊंगा इन्जॉयमेंट। तो कल के लिए ज़रूर इंतज़ार कीजिए, हमें भी कल का बहुत इंतज़ार है। तो क्रिसमस का पूरी तरह से सब सेलिब्रेशन वगैरह देखा ही आपने कि कैसे सजावट वगैरह कंप्लीट हो चुका है, और मैं भी अभी अपना घर आ चुका हूँ। तो गाइस, अभी बन रहा है लिट्टे, देख सकते हैं अभी ये लिट्टी पानी में उबाल रहा है ताकि अच्छे तरीके से पक जाए। और यहाँ पे देखिए आलू है, बैंगन है, और ये है टमाटर बैंगन, ताकि यहाँ पे अभी आलू का मतलब ये चोखा का बनने का तैयारी चल रहा है। तो आज का खाना लिट्टी चोखा। तो ये रहा आज का डिनर, ये देख सकते हो गर्मा गर्म है लिट्टी और यहाँ पे चोखा, एकदम ठंड में गर्मा गर्म लिट्टी चोखा। बस एक चिकन मिस हो गया, चिकन और लिट्टी लाजवाब लगता है, वो भी किसी दिन ट्राई करेंगे, फिलहाल लिट्टी चोखे का मज़ा लेते हैं। तो गाइस, चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से कल एक नए और मजेदार ब्लॉग के साथ। सो टिल देन, बाय।